ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार। हरियाणा में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक लगाने के लिए फील्डिंग सेट करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण हाल ही में हरियाणा दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह की गौरवशाली भारत रैली है, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 शुरू करते ही चौटाला परिवार को लेकर नए सियासी संकेत दिए हैं। शाह ने सिरसा में रैली की, जहां उनके टारगेट पर पूर्व कांग्रेस सरकार के सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही रहे। आपको बता दें, सिरसा चौटाला परिवार का सियासी गढ़ है। सबकी उम्मीद के उलट शाह ने यहां चौटाला परिवार पर कोई बयान नहीं दिया, जबकि माना जा रहा था कि अगर रैली सिरसा में है तो शाह का केंद्र चौटाला परिवार ही होगा। मुख्य रूप से सिरसा की इस रैली में शाह का टारगेट कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने ना तो इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला को लेकर ही कुछ कहा, ना ही राज्य सरकार में गठबंधन के सहयोगी जजपा को। थ्री डी का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक ताबाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। लेकिन इन सब में गौर करने वाली बात ये थी कि इस रैली में जेजेपी के किसी नेता को नहीं बुलाया गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा चौटाला परिवार से दूरी नहीं रखना चाहती। दल कोई भी हो, जरूरत पड़ने पर बीजेपी सबको साथ जोड़ सकती है। लेकिन इसको दूसरे मायने में देखें तो हाल ही में हरियाणा में बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देब का एहसान वाला वो बयान, जिससे माना जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लिहाजा अमित शाह के सियासी दांव के मायने बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ सकती है। शाह के कार्यक्रम में पिता पुत्र का जिक्र न होने तक की चर्चा है कि बीजेपी उन्हें बता रही है कि हरियाणा में वे भाजपा की मजबूरी नहीं है। वहीं जेजेपी के अलावा शाह ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो को भी कुछ नहीं कहा। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को जरूरत पड़ी तो जेजेपी पर भी निर्भर नहीं होगी, बल्कि इनेलो से भी परहेज नहीं करेगी। ये इसलिए भी अहम है कि कांग्रेस और इनेलो के बीच गठबंधन को लेकर कई बार सुगबुगाहट हो चुकी है, हालांकि दोनों दल इसे नकार चुके हैं। बहरहाल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे में शाह का इनेलो पर निशाना ना साधना आने वाले समय के लिए बड़े सियासी संकेत हैं।